हम कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के रुकन जनाब चैन पाशा साहब के साथ हैं। कर्नाटका बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के साबिक नायब सदर भी रहे हैं। हम इस वक्त उनसे हज कमेटी के ताल्लुक से कुछ सवालात करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले चैन पाशा को पूछना चाहता हूं कि आपकी हज कमेटी की तश्कील को इतना देर क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात हमारे आबिद असलम साहब पहले अखबार रहता था और जो नया एक चैनल के ज़रिए इन्होंने इब्तिदा की है, इसको जो है मैं तहे दिल से मैं खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और बेहतरीन अंदाज से इन्होंने अब तक जो है अखबारों में अच्छी तरह से जो सियासत जो चल रही है इसके बारे में तफसील से इन्होंने अवाम तक पहुँचाया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ इनका जो चैनल इंशाल्लाह तरक्की करे। रहा सवाल, कर्नाटका हज कमेटी जो इब्तिदा में जो शुरू हुई, जो नंबर्स बनाए गए, वो जो है फरवरी के 18 तारीख को इस साल 20 में जो है 2020 में जो है इब्तिदा हुई, और उसके बाद में जो है फरवरी का 18 तारीख का जो है उसका जो है इलेक्शन था चेयरमैनों का, तो गेजेट भी पास हुआ था कि इतला भी मिल गई थी। तो दरमियान में 18 तारीख से पहले ही 10 तारीख को हमारे को इतला मिली कि कर्नाटका हुकूमत की जानिब से, तो इन्होंने बताया कि भाई कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, इसलिए हमें इसको पोस्टपोन करेंगे। तो जिस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द करेंगे करके हमारे को इतला दिए, सरकार जो है इतला मिली हमारे सरकार की जानिब से। उसके बाद में जो है लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक भी जो है माहौल जो है वो इसी तरह से चल रहा है, और रियासत कर्नाटका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये वबा आया है, जो बीमारी आई हुई है, लॉकडाउन और इससे जो है हाजियों को जो है तकलीफ़ होती है कर कर। इस साल जो है हज का भी जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो तमाम आवाम को मालूम है कि इसकी वजह क्या है। तो इसके दरमियान में हुकूमत कर्नाटका की जानिब से जो है हज हाउस का मसला, जो मरीज़ जो लोग थे कोविड-19 के, उनको जो है बेडों की कमी थी, हुकूमत की जगह थी, इसलिए जो है हज कैम्प से जो है हज हाउस में जो है मकाम बनाया गया। तो वहाँ पर जो है बहुत से सारे ख़ासकर स्पेशली कौम के लोगों को उस जगह मकाम दिया गया, तो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हुआ, तो बहुत से सारे वहाँ से निकल रहे हैं। अभी भी जो है वहाँ पर जो है 90 से 95 मरीज़ लोग रहते हैं, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द शफा हो। तो ये सिलसिला जारी था, तो अभी इंशाल्लाह इस दरमियान में जो है इस महीने आखिर तक जो है ये बाई इलेक्शन वगैरह भी थे, इसलिए जो है ताखिर हो रही थी कि अब थोड़े जो है बहुत से चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं, मिनिस्ट्री कैबिनेट चेंज होने वाली है, तो इस सिलसिले में जो है मैं समझता हूँ ये इनकी ये दीपावली है, तो इसके बाद में जो है बहुत से जो है तब्दीली होगी। इसमें जो है बहुत से चेयरमैन भी होने वाले हैं, जनरल चेयरमैन भी होने वाले हैं, और बोर्ड ऑफ जो है बाकी जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के मेंबर्स भी डायरेक्टर भी होना बाकी है, और इसके अलावा KMDC के भी डायरेक्टर बाकी है, उर्दू अकामडी भी बाकी है, वक्त काउंसिल भी बाकी है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये महीने के आखिर तक हो जाएगा उम्मीद है। अच्छा ये बताइए, गुज़िश्ता साल
खुरा अंदाजी हुई, जितने एप्लीकेशंस डाले गए थे उसमें हज़ारों की तादाद में जिनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद ये कोरोना की वजह से गुज़िश्ता साल हज रद्द हो गया। अब वो जो सिलेक्शन हुआ है उसका आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे, और उनको इस बार हज को जाने की क्या इजाज़त है? जी, अभी सेंट्रल हज कमेटी बॉम्बे से हमारे जो है वजीर मुख्तार नकवी साहब, इसके बारे में जो है अभी जो है इसका जो है मैसेज देना बाकी है, तो इसके इंतज़ार में हैं। और यहाँ पर जो है अब्दुल अजीम साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, उनके तरफ से भी एक रिक्वेस्ट इस चीज़ के बारे में गई हुई है, जो पिछली मरतबा जो आज खोरा उठा है तो उठकर है, वो लोगों का क्या करेंगे, तो उसके बारे में जो है उसके सेंट्रल हज कमेटी से हमारे कोई जवाब नहीं आया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बारे में जो है जो कुछ होना है तो अच्छी तरह से हमारे मक्कर नकवी साहब सेंट्रल हज कमेटी के वजी रहे, हमारी पूरी तरह से अकलतियों के लिए बहुत से सारे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी जो है काम होएगा तो हमारे को उम्मीद बढ़ेगी। अच्छा, इस बार हाजियों को जो हज को जाना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन डालेंगे, इनको कितना पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया को अदा करना? अभी जो है एक नया कानून बनाया गया है, 375,000 का जो है फिक्स है ये, और जैसा खुर्रा उड़ता है तो उस वक्त जो है 1.5 लाख की रकम भरना चाहिए। तो ये जो है ये ऑर्डर्स जारी किए हैं, इसलिए तो पहली मर्तबा उसके पहले जो है 50,000-60,000 जो पैसे भरते थे हाजी लोग, जो अभी इस तरह का नहीं है, अब 1.5 लाख की रकम जो है जमा करना पड़ेगी। तो इसलिए पहले की तरह जो है अकोमोडेशन भी जो है वहाँ का बहुत से कुछ बदलाव हुआ है, ये कोरोना की वजह से जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसलिए जो है ये कमरे में एक ही आदमी रहता है, तो इस तरह का जो है अकोमोडेशन बना रहे हैं। तो सेंट्रल हज कमेटी जो है वहाँ पर जो है अकोमोडेशन हर तरह से जो है इनकी जो प्लानिंग के हद तक हो रही है और बहुत जल्द आगाज में आएगी। अच्छा, उम्र की हद क्या है मुकर्रर की गई है? 18 साल से 65 साल तक जो है फिक्स है, इस उम्र के जो जो ये हैं वो लोग जा सकते हैं 18 से 65 साल, यानी कि 18-65, तो ये एज के जो है हाजी लोग जा सकते हैं। क्या कमेटी तश्कील देने के लिए आप वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे? ज़रूर, अगर किए हैं तो अभी जो है हालात सबको मालूम है, तो इंशाल्लाह उनका कहना है कि ये फौरन जो है हम इस महीने में करेंगे करके हमको उम्मीद दिए हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, हज कैंप चलाने के लिए है, जो बड़ा मशहूर हज कैंप है कर्नाटक का, जो सारी दुनिया में इसकी मकबूलियत है, ये कमेटी चलाने के लिए इसे चेयरमैन एंड मेंबर्स की कमेटी होना चाहिए। जरूर जरूर, हज का सीजन आने वाला है। जी, जी, जी। आप लोग खामोश क्यों? खामोश तो आप मीडिया वाले तो जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। पहली बात जो है ये कोरोना की वजह से जो है जो बवाल आया हुआ है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ गया है कि एक दोस्त एक भाई से भी डिस्टेंस करना पड़ रहा है आज की तारीख में। कब तक बनेगी आपकी हज कमेटी? इंशाल्लाह इसका कोई यकीन है? जरूर जरूर, भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ऐसे ही टाइम पास हो गया तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से अभी जो है इस बीमारी जो है कोरोना जो है दिन ब दिन हमारे जो कर्नाटक रियासत है कर्नाटक के अंदर कम होता जा रहा है, तो अब स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, इस मुताबिक जो है इस महीने के आखिर तक हज कमेटी एजाज में आ जाएगी। कौन कौन लोग जाएंगे वज़ीर आला के पास हज कमेटी की तश्कील के लिए?
ऑलरेडी जितने भी मेंबर्स हैं पूरे भी जाकर हैं, और उसके दरमियान जो है हमारे कमीशन चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब, अनवर मानव पाड़ी साहब, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, केएमडीसी के हमारे मुख्तियार पठान हैं, और हम लोग हैं, हम भी सीनियर लीडर्स हैं, तमाम जो है लोग जाके जो है पहले भी बात कर चुके हैं, तो अभी जो है इलेक्शन के बाद जो है फौरन जाएंगे, जाके जो है उनके ऊपर दबाव डालेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आगाज़ में आएगी। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।